हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सीजीएल 2022 टीयर वन में पूछे गए नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीजीएल 2022 का एग्जाम दिसंबर 2022 में 40 शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था। डेली चार शिफ्ट हुए थे और नंबर सीरीज के टोटल 39 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर था। किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था, बाकी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे नंबर कम तो हो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, कुछ माइनस हो रहा है। तो डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे देखो -60 हो रहा है, यहाँ पर -50 हो रहा है, 50 कम हो रहा है, यहाँ पे 40 कम हो रहा है, यहाँ पे -30 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, 202 में 20 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, तो यही 182 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हर डिफरेंस में +10 हो रहा है, मतलब 10 का डिफरेंस है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे +2 का डिफरेंस है। ठीक है, +2 हो रहा है, फिर 6 से 12 हो रहा है यानी (2) हो रहा है, यहाँ पे फिर से +2 हो रहा है, फिर (2) हो रहा है, दोबारा +2 हो रहा है। तो यहाँ पे दोबारा क्या हो जाएगा, (2) हो जाएगा, 2 से गुणा होगा, तो 30 में 2 से गुणा होगा कितना, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे काफी इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे देखो सीधा 6000 पहुंच गया। और आपको देख के ये भी समझ आ रहा होगा कि ये 11 का क्यूब है। ठीक, ये कितने का क्यूब है, 13 का क्यूब है। ठीक, तो यहाँ पे 15 का क्यूब हो सकता है, लेकिन हम आगे देख लेते हैं ये कितने का क्यूब है, ये तो 19 का क्यूब है। ठीक, तो अगर इस 15 का क्यूब करेंगे तो 17 का क्यूब कहाँ गया, इसका मतलब ये यहाँ पे 17 का क्यूब होगा। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स का हो सकता है ना। देखो जो 15 है, 15 ये प्राइम नंबर नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि ऑड नंबर का सीरीज नहीं होता है, प्राइम नंबर का सीरीज होता है। तो 15 यहाँ पर नहीं होगा, 17 का क्यूब होगा। 17 का क्यूब कितना होता है, 4913। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो +5 हो रहा है। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 7 का, तो +7 हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखोगे तो +9 हो रहा है। ठीक, यहाँ पे +11 हो रहा है, यहाँ पे +13 हो रहा है ना, यानी कि ये क्या है, ऑड नंबर का सीरीज से चल रहा है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, लगातार ऑड नंबर्स का। तो यहाँ पे +15 हो जाएगा। ठीक, आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 65। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सब में 2-2 का डिफरेंस है। ठीक है, +2 हो रहा है सब में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखो, पहले 2 है, 4, 10, 28 और सीधा 244 हो गया। इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन जरूर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो कैसे होगा वो हम देख सकते हैं। देखो 2 × 4 होता है, फिर 4 × 8 तो है नहीं, और 4 × 8 +2 कर सकते हैं। फिर यहाँ देखो 10 × 3 30 -2 हो गए, तो ऐसे नहीं बन रहा है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि 2 × 3 = 6 अगर हम करें, 2 × 3 = 6 और -2 × 3 -2 हम कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। फिर 4 × 3 = 12 और -2 = 10 हो जाएगा, यानी यहाँ भी (3) -2 बन गया। यहाँ पे भी हम सेम अप्लाई हो जाएगा, देखो (3) -2, 10 × 3 = 30 -2 = 28, तो सेम चीज यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी, (3) -2। तो 28 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84, 84 -2 82 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा देखो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ प्लस होगा। तो डिफरेंस देखेंगे हम, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 13 का, यहाँ पे 14 का गैप है, मतलब प्लस हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे +15 हो जाएगा, तो +15 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 410। ठीक, तो चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, 410। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 111 है, 222,
ये इसका डबल है ना, एन टू टू हो रहा है। देखो ये भी इसका डबल है, एन टू टू हो रहा है, तो इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एट 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 हो जाएगा ना। और एक बार हम इसको भी चेक कर लेंगे, तो देखो ये भी इंटू टू हो रहा ही है, हो ही रहा है, ठीक है। 2 8 16, 2 8 16 17, 2 8 16 17, यानी यही हो रहा है। तो 888 हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो 29 है, 33 है, फिर 113 सीधा ही हो गया, यानी कुछ मल्टीप्लिकेशन का शायद रोल होगा। तो अगर हम इंटू 1 + 4 करें, फिर इंटू 2, फिर अगर यहाँ इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ इंटू 3, इंटू 4 नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ देखें इंटू 3, यहाँ इंटू 3 होगा, यहाँ इंटू 2, तो मल्टीप्लिकेशन से भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, गैप देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन से नहीं हो रहा हो पा रहा है। तो देखो यहाँ पे गैप कितने का है, 4 का गैप है। यहाँ पे हम गैप देख लेते हैं, यहाँ पे गैप कितने का है, 256 का, ठीक है। तो ये जो 4 है, 2 का स्क्वायर है ना, और ये जो 256 है, ये कितने का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितने का हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो और यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो, यानी कि डबल हो रहा है, डबल का स्क्वायर हो रहा है। 2, फिर 2 का डबल 4 का स्क्वायर, 4 का डबल 8 का स्क्वायर, फिर 8 का डबल 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 33 में हम 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 33 में हम 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। तो 49 हमारा आंसर हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेंगे, 49 में हम 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ऐड करके देख लेते हैं, 64, तो ये 113 हमें मिल गया ना, यानी कि ये हमारा सही है, यानी 49 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, चौथा ऑप्शन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना अगर नहीं कर पाए खुद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो 1 22 44 67 91, देखो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे 21 का डिफरेंस है, यहाँ देखो 22 का डिफरेंस है, यहाँ 23 का, और यहाँ पे 24 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा सिंपली। तो 91 में 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 116 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 116 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे है 1/2, 3/4 क्वेश्चन मार्क है, फिर 5/4 है। तो सब देखो हर जगह 4 है ना, तो इसको भी 4 बना लो, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2/4 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2/4, फिर 3/4, तो ये 4/4 हो जाएगा ना, 4/4, फिर 5/4, तो 4/4 मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। चाहो तो रेफरेंस भी ले सकते हो कि 3/4 में 1/2 घटाओगे तो +1/4 होगा, फिर यहाँ +1/4 करोगे तो वही 4/4 मिल जाएगा, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, +1/4 करके 5/4 मिलेगा, ठीक है। बाकी जो पहले बताया वही बेस्ट मेथड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद 11 35 107 323। तो देखो ज़्यादा बढ़ रहा है ना अचानक से, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन होगा, कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 11 33, 11 33 +2, ठीक है, इंटू 3 +2 हो जाएगा। यहाँ पे भी इंटू 3 अगर हम करें तो 3 5 15, 3 3 9 10, 105 होगा, यानी इंटू 3 +2 यहाँ भी लग रहा है, और यहाँ पे भी वही लग जाएगा, इंटू 3 +2। तो देखो इधर इंटू 3 +2 हो रहा है ना, यानी लेकिन जब हमें उल्टा जाना पड़ेगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले -2 करेंगे, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इंटू 3 +2 हो रहा है। तो वापस जाने के लिए पहले जो प्लस हो रहा है उसको माइनस कर दो, तो 11 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 9, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन। अगर किसी को मेथड मतलब एग्जाम प्रेशर में ये समझना है कि पहले डिवाइड करना है या माइनस करना है, तो वो बाई ऑप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बाई ऑप्शन चेक करोगे तो देखो जब 4 से चेक करोगे मतलब इंटू 3 +2, तो 4 3 12, तो 11 से ज़्यादा हो गया ना, तो 4 से चेक किया तो 11 नहीं यार, 11 से ज़्यादा आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो 4 से ज़्यादा आ रहा है यानी कि 5 और 8 भी नहीं होगा, तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो पहले मेथड बताया वो आपको आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा अचानक से नहीं बढ़ रहा है, यानी कि कुछ प्लस होगा, तो डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, यहाँ भी 13 का डिफरेंस है, यहाँ भी 13 का ही डिफरेंस है, यहाँ भी 13 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी +13 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 106 आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कम हो रहा है, अभी काफी ड्रास्टिक कम हो रहा है। ठीक है, तो बड़े से छोटा देखने से अच्छा है कि हम इस तरफ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो (3) हो रहा है, 3 3 का 9, तो यहाँ भी (3) हो रहा है, 9 3 27। ठीक, तो यहाँ भी (3) हो जाएगा, तो 27 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चाहो तो एक चेक भी कर सकते हो, अब 81 में 3 का गुणा करोगे तो आपको 243 मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 3 6 18 36 108, ज्यादा बढ़ रहा है यानी कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो (3) हो रहा है, यहाँ (2) हो रहा है, फिर यहाँ (3) हो रहा है, फिर (2), फिर (3) होगा यहाँ पे, तो यहाँ दोबारा (2) हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 216, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे 34 का डिफरेंस है, यहाँ भी 34 का डिफरेंस है, यहाँ भी 34, तो सब 34 का ही डिफरेंस है, यहाँ भी 34 है, तो यहाँ भी लास्ट में 34 का ही डिफरेंस होगा, तो 233 में हम 34 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 267 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 67 है, 78, यहाँ पे देखो कुछ प्लस हो रहा है और फिर यहाँ कम हो जा रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, मतलब एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ज्यादातर क्या होता है कि दो सीरीज को मिला के एक सीरीज बना दी जाती है, यानी कि ये जो 67 से 71, फिर 71 से 75, उसके बाद ये एक सीरीज का पार्ट है, उसके बाद 78 से 82, 82 से 86, ठीक है, ये एक सीरीज, मतलब दो सीरीज को मिला के, तो हम अल्टरनेट डिफरेंस देखेंगे। 67 से 71 में देखोगे तो यहाँ पे +4 हो रहा है। ठीक है, 71 से 75 पे देखोगे तो यहाँ पे भी +4 का डिफरेंस है। अब यहाँ अल्टरनेट पे हमारा आंसर आएगा, यानी यहाँ +4, तो 75 पे हम +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 79, 79 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। बाकी ये जो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं, मतलब चेक करने के लिए, बाकी एग्जाम में नहीं चेक करना है। यहाँ पे देखो +4 का डिफरेंस है, यहाँ भी +4 का डिफरेंस है, तो देखो जरूरी नहीं है कि जो दूसरा सीरीज है वो उसका डिफरेंस सेम हो, इस क्वेश्चन में सेम है, जो दूसरा सीरीज है उसका डिफरेंस अलग भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो 121, 169, 289, तो देखो ये 121 11 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, फिर 289 17 का स्क्वायर है। देखो 15 का स्क्वायर नहीं लिया है, यानी कि प्राइम नंबर कॉन्सिक्यूटिव है। ठीक है, और वैसे भी 17 के बाद 19 का स्क्वायर ही आएगा, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक, और 529 किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है, 841 किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27, 29 क्वेश्चन मार्क, 182, 730, 3652। देखो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो चेक करेंगे। देखो यहाँ पे (n)(1) +2 हो सकता है, उसके बाद इसको हम चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे (n)(4) होगा और फिर +2। ठीक है, तो (n)(1) यहाँ पे (n)(4) है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, (2)(2+2). ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये (3)+2, तो 29 में (2) करेंगे और +2, तो 58+2 यानी 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 यानी फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया। इसको भी चाहो तो चेक कर सकते हो, ये (5+2) बनेगा, लेकिन एग्जाम में नहीं चेक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5103, 1701, 567, 63, 21। देखो बड़े से छोटा, इससे अच्छा है कि आप ऐसे चेक कर लो, सिंपल सी बात है, कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो (2)(3) हो रहा है, फिर
यहाँ पे भी इंटू थ्री चेक कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे भी देखो इंटू थ्री ही हो रहा है, यहाँ भी इंटू थ्री होगा, तो इसका मतलब यहाँ भी इंटू थ्री होगा। तो 63 में इंटू थ्री हम करेंगे कितना हो जाएगा, 189, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ भी कम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, यानी कि कुछ मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है। तो देखो यहाँ डबल हो रहा है, इंटू टू हो रहा है, यहाँ भी डबल हो रहा है, ठीक है। तो इधर इस तरफ डबल हो रहा है, इसका मतलब इस तरफ हाफ हो रहा है, ठीक है, इस तरफ आधा हो रहा है ना, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 15 यानी थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखो यहाँ कम हुआ, दोबारा बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, बढ़ गया, फिर कम हुआ, इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे दो सीरीज को एक में मिला दिया हो। तो मैंने बताया था अल्टरनेट चेक करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, फिर इनका, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट में। तो डिफरेंस देखोगे तो देखो यहाँ पे 23 का डिफरेंस है, यहाँ भी 23 का डिफरेंस है, यहाँ भी -23 हो रहा है, यहाँ भी 23 का डिफरेंस है, मतलब 23 का डिफरेंस होगा। तो 23 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 194। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। बाकी देखो यहाँ भी चेक कर सकते हो, एग्जाम में नहीं चेक करना है, यहाँ पे -16 हो रहा है, ठीक है, मैंने बताया था ना जरूरी नहीं कि सेम डिफरेंस हो। यहाँ पे देखो यहाँ भी -16 हो रहा है, यहाँ भी -16 हो रहा है, तो वही है कि दो सीरीज को एक में मिला दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो 7 7 3 21 इंटू थ्री हो रहा है, ये भी इंटू थ्री है, इंटू थ्री, ये भी इंटू थ्री ही होगा। अब सबको बैठ के चेक नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे इंटू थ्री कर लो, कितना हो जाएगा, 1701, ठीक, यानी पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखो ये डबल हो रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 51 है, तो यहाँ पे देखो डबल हो रहा है मतलब 17 का ही डिफरेंस है, और यहाँ भी 17 का ही डिफरेंस है। अच्छा देखो ये तो 17 का टेबल चल रहा है ना, 17 का टेबल, 17 को 17, 17 में 34, 17 51, 17 चौक 68, ठीक है, तो 68 हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। डिफरेंस से भी देखोगे तो भी वही +17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है ना, तो डिफरेंस चेक करते हैं, यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे +10 हो रहा है, यहाँ +20 हुआ, यहाँ +40 हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिफरेंस है यहाँ पे वो डबल हो रहा है, ठीक है, डिफरेंस आपस में डबल हो रहे हैं, तो 40 का डबल कितना हो जाएगा, +80 हो जाएगा ना, इसको इंटू टू करेंगे तो 85 में 80 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 165, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 69 70 बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ प्लस होगा। तो यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यानी ऑड नंबर चल रहा है, ठीक है, तो 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 94, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा मान लो ये जो 94 आंसर है यहाँ पे, मान लो 94 ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन में 94 नहीं होता, तब आप क्या करते। तो देखो 1 3 5 7 ये ऑड नंबर तो है, लेकिन हो सकता, जैसे 9 क्या है, ये ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे फिर प्राइम नंबर का ये मतलब डिफरेंस होता। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है, 11 आता है ना, तो 85 में हम +11 करेंगे तो 96 होता है ना, तो 96 हमारा आंसर हो जाता, मतलब अगर 94 ऑप्शन में नहीं होता तो, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इंक्रीज तो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, देखो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई तो पक्का होगा। तो मल्टीप्लाई जब हम लगाएंगे तो देखो यहाँ पे इंटू 1 प्लस 2, ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटू 4 प्लस 2 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2 और यहाँ इंटू 3 प्लस 2 होगा, ठीक है। तो 39 में हम इंटू 2 करेंगे, 2 से गुणा करके 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा 80 हो जाएगा, है ना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखो कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, -28 का, यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ भी -28 हो रहा है, यहाँ भी -28 हो रहा है,
तो यहाँ भी -28 हो जाएगा। तो 14 में से देखो 14 गया तो 0 हो गया, और 14 गया तो -14, ठीक है, तो -14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसमें और -28 करोगे तो माइनस माइनस तो दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी ना, तो 42 हो जाएगा। तो वही -14 हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ माइनस होगा। तो डिफरेंस जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 35 का। ठीक, यहाँ पे भी -35 हो रहा है, यहाँ भी 35 कम हो रहा है, तो हर जगह 35 का डिफरेंस है। तो 460 में हम 35 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 425, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो 3 से 13, फिर 53, 213, 3413, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, अचानक से बहुत बढ़ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई पक्का होगा। तो मल्टीप्लाई जब हम चेक करेंगे तो ये देखो इंटू फोर, 3 चौक 12 प्लस 1, फिर 13 चौक के 52 इंटू फोर प्लस 1, तो यहाँ भी इंटू फोर प्लस 1 होना चाहिए, ये भी इंटू फोर प्लस 1 होगा, फिर यहाँ पे भी इंटू फोर प्लस 1 हम लगा देंगे। तो इंटू फोर करोगे तो 852 हो जाएगा प्लस 1, यानी कि 853, 853 हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 137, 114। अब देखो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, फिर बीच में क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे कम हुआ और फिर बढ़ गया। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे दो सीरीज मर्ज हो, लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे तो डिफरेंस देख ही नहीं पाएंगे ना, तो जो हम डिफरेंस देख ही नहीं पाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो सीरीज मिला है या नहीं मिला है, यानी कि ये मेथड तो अप्लाई नहीं होगा। तो ये भी तो हो सकता है कि एक बार प्लस हुआ हो फिर माइनस हुआ हो, मतलब प्लस, अरे सॉरी, पहले माइनस हुआ है फिर हो सकता है प्लस हुआ हो, फिर माइनस हुआ हो और फिर प्लस हो गया हो, तो ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक, तो हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे -23 का डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, तो यहाँ पे +92 हो रहा है। ठीक है, अब देखो 23 का अगर आपको टेबल याद हो तो अच्छी बात है, ये 23 इंटू फोर है। ठीक है, 23 इंटू फोर कितना होता है, 92 होता है, यानी कि यहाँ पे जो गैप है वो 23 का टेबल ही चल रहा है। ये 23 हो गया, ये 23 का डबल कितना हो जाएगा, 46। तो देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे हो सकता है प्लस हो रहा हो, और उसके बाद 23 का वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आता है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस। ठीक है, तो 114 में हम 46 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 में फिर हम 69 माइनस करेंगे तो 91 आएगा, यानी हमने जो सोचा है वो सही है, तो 160 इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है 15, 4, -8, -21, -35, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे देखो -11 हो रहा है, यहाँ पे 8 और ये 4, 12, यानी यहाँ पे -12 हो रहा है, यहाँ पे -13 हो रहा है, यहाँ -14 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, -15 हो जाएगा, तो 35 और 15 कितना हो गया, यहाँ -51 आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, कुछ ऐड हो रहा है, तो डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, 0.7, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 1.4, यहाँ पे 2.1 ऐड हो रहा है, यानी देखो ये 7 का टेबल ही तो है, तो 7 × 14, 7 × 21, तो यहाँ पे 7 चौक 28 प्लस 2.8 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि 19.8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये भी 10 का डिफरेंस है, यानी सारा 10 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये भी -10, -10, तो 15 में -10 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 में -10 करेंगे तो -5 हो जाएगा, यानी ये सेकेंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो 1,
4, 13, 40, 364, तो अचानक से ज्यादा बढ़ रहा है ना, इसका मतलब गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो कैसे बनेगा ये, 1 से 4 कैसे बनेगा, इंटू 3 प्लस 1, फिर यहाँ पे 4 3 12, फिर +1, यहाँ भी 13 3 39 +1, इंटू 3 प्लस 1 यहाँ भी होगा, फिर भी इंटू 3 प्लस 1 होना चाहिए, तो 40 में 4 3 12, 121, तो ये 121 हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। बाकी आगे भी चेक कर सकते हो, एग्जाम में नहीं चेक करना है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो 5 12 26 110 222, तो थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ज्यादा बढ़ रहा है यानी कि मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये कैसे बनेगा, 5 से 12 इंटू 2 प्लस 2, यहाँ भी देखो 12 दूनी 24 प्लस 2, ठीक, तो इंटू 2 प्लस 2 बन रहा है, तो यहाँ भी वही बनना चाहिए इंटू 2 प्लस 2, ठीक, तो 26 में 2 का गुणा करेंगे 52, और +2 54, ठीक है 54, तो 54 यानी थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो कम हो रहा है, बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है, तो हम डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पे गैप है 21 का, -21 हो रहा है, यहाँ पे देखो -22 हो रहा है, यहाँ -23 हो रहा है, यहाँ -24 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ -25 हो जाएगा, यानी कि -48 बन जाएगा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया -48। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा, कुछ ना कुछ गुणा होगा, तो 12 से 25 कैसे बनेगा, इंटू 2 प्लस 1, ये भी 25 दूनी 50 प्लस 1, तो ये भी इंटू 2 प्लस 1 ही होगा, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 1 हम कर देंगे 103 206 207, 207 हो जाएगा ना, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ देखो इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ ऐड होगा, यहाँ पे हम गैप देखेंगे 9 का गैप है, यहाँ 12 का गैप है, यहाँ पे +15 हो रहा है, यानी देखो जो डिफरेंस है उनमें 3 का गैप है ना, तो यानी कि यहाँ पे कितने का गैप होगा, 6 का होगा, और यहाँ पे कितने का गैप होगा, 3 का, तो 31 में 3 जोड़ दो कितना हो गया, 34 हो गया, और 34 में 6 जोड़ेंगे 40 हो गए, यानी यही 34 सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखो 123 125 127, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा, डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे देखो +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, तो यहाँ भी +2 होना चाहिए, यानी कि 129, ये तो यहाँ भी देखो +2 ही हो रहा है, ये तो काफी आसान है, ठीक है आसान क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये नंबर सीरीज का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, बाकी पीडीएफ और अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा, बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।